तो गाइस आज जब शांति से मैं इंस्टाग्राम चला रहा होता हूँ तो स्काउट भाई की ये वाली वीडियो मेरे सामने आती है। भाई आजकल शॉटगन चिपक रही है तो क्या करें? तो भाई आजकल शॉटगन चिपक रही है तो गेम ने हमारी बात सुनकर डीपीएस को कर दिया नर्फ। बट गेम ने क्या करा है कि भाई हम डीपीएस को नर्फ तो कर रहे हैं बट हम बफ दे रहे हैं किसको? एस्टेलके को। तो यस एस्टेलके इज द न्यू क्लोज रेंज बीस्ट। तो जैसा कि तुमने स्काउट भाई को बोलते हुए सुन लिया है कि एस्टेलके इज द न्यू क्लोज रेंज बीस्ट, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? आई एम श्योर स्काउट भाई भी कुछ सोच के बोल रहे होंगे। तो वो सारी चीजों को हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि क्या सच में जो डीपीएस है उसका कैरा फाइनली खत्म होगा और एस्टेलके उसकी जगह लेने वाली है। तो ये चीजें फाइंड आउट करने वाले इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्टेड। तो गाइस ये वीडियो को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले हम डैमेज कंपेयर करेंगे, देन हम बुलेट स्प्रेड कंपेयर करेंगे, साथ ही साथ जो रेट ऑफ फायर है दोनों गन्स का वो भी हम थोड़ा सा काउंट करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस ये जो शॉटगन्स होती है ना, इनका डैमेज मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इनका बुलेट स्प्रेड इतना ज्यादा होता है ना कि गोलियां इधर से उधर कहीं ना कहीं लग जाती है और उनकी वजह से हर बार डैमेज अलग आता है। लेकिन यहाँ पे ये ट्रिक मैं यूज करता हूँ जिससे मुझे एक एक्यूरेट है ना डैमेज जो है मिल जाता है। तो यहाँ पे तुम हेड पे डैमेज देख सकते हो, नो हेलमेट वेस्ट, यहाँ पे 300 का डैमेज जो है ना डीपीएस दे रही है। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं हमारी नेक्स्ट शॉटगन जो की रहने वाली है एस12 की, तो उसका डैमेज कितना होने वाला है। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो गाइस यहाँ पे जो डैमेज है एस12 की का वो डीपीएस से सच में ज्यादा है। तो यहाँ पे 20 डैमेज का डिफरेंस आ जाता है क्योंकि यहाँ पे जो एस12 का डैमेज है वो तुम देख सकते हो 320 आ रहा है। तो हेड पे है ना अच्छा खासा डैमेज अभी जो हमारी एस12 है ना उसका हो चुका है। तो अभी वेस्ट लेवल्स पे भी ट्राई कर लेते हैं कि कितना डैमेज आ रहा है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 224 का डैमेज आ रहा है हमारी जो एस12 है उसके साथ। लेकिन अगर डीपीएस का मेजर करते हैं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 219 का डैमेज आ रहा है। तो अगेन यहाँ पे भी जो 5 पॉइंट्स है ना उनका डिफरेंस आ जाता है। तो एस12 का जो डैमेज है गाइस वो सच में इंक्रीज कर दिया गया है हमारे 3.1 के अपडेट में। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि भाई हेलमेट वेस्ट पे ट्राई करता, तो यहाँ पे जब मैंने ट्राई किया तो यहाँ पे भी जो हमारी एस12 है उसका डैमेज ज्यादा आ रहा था। लाइक एस12 का डैमेज आ रहा था 223 एंड हमारी जो डीपीएस है उसका डैमेज आ रहा था 219। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा डिफरेंस तो है। तो गाइस जैसा कि तुमने देखा कि डैमेज तो एस12 का ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी भी दो चीजें ऐसी बची हुई है जो शायद डीपीएस की अभी भी अच्छी हो सकती है। वो रहने वाला है बुलेट स्प्रेड एंड रेट ऑफ फायर। तो वो दोनों चीजें चेक करने से पहले तो गाइस क्या आप बीजीएमआई टूर्नामेंट खेल के रोज 50,000 जीतना चाहते हो? ए भाई बताना भाई 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 मेरा भाई। तो ये ऐप है सो स्ट्रॉन्ग जो कि 100% ट्रस्टेड है। सो स्ट्रॉन्ग के ऐप के 35 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं एंड ऑलमोस्ट 8 करोड़ तक की विनिंग्स ये लोग बांट भी चुके हैं। इस ऐप की बढ़िया बात ये है कि यहाँ पे आपको काफी टाइप के टूर्नामेंट्स मिलते हैं, स्पेशली इंस्टेंट टूर्नामेंट्स जिनमें 0 वेटिंग टाइम होता है। और इसमें आपको रूम्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, जैसा आप नॉर्मली रोज रैंक क्लासिक खेलते हो वैसे खेलना है। एंड सो स्ट्रॉन्ग अपने आप आपके किल्स डिटेक्ट करेगा एंड आपको पैसे दे देगा। तो यहाँ पे रोज बीजीएमआई खेल के पैसे जीतना तो एकदम गारंटीड है। और तो और सो स्ट्रॉन्ग का एंटी चीट इंडस्ट्री में एकदम बेस्ट है। तो सो स्ट्रॉन्ग का लिंक गाइस मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड करो एंड पहले जो 1000 यूजर्स है उनको मिलेगा 600 रुपए का बोनस जिससे आप फ्री में टूर्नामेंट्स भी खेल सकते हो। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। एंड गाइस मजे की बात तो ये है कि कोई भी अगर आप पैसा जीतते हो तो आप यूपीआई ऐप जैसे कि फोन पे या फिर गूगल पे या फिर पेटीएम इनके थ्रू विड्रॉल भी कर पाओगे। मोगेम्बो खुश हुआ। अब गाइस वेट किस चीज का है? डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में तुम्हें लिंक दे रखा है, वहां से डाउनलोड करो एंड जीतो रोज के 50,000 बीजीएमआई खेल के। तो चलो गाइस इस वाले पॉइंट पे कंपेयर करते हैं कि कौन सी गन फास्टेस्ट जो है फायर कर सकती है, किस गन का रेट ऑफ फायर ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो मुझे जहां तक लग रहा है ना तो जो हमारी एस12 के है ना वो क्लियर विन कर जाएगी क्योंकि अभी जो ये अपडेट आया ना 3.1 का, यहाँ पे जो डीबीएस का जो रिलोडिंग टाइम है जो 2 शॉट मारने के बाद जो ये वापस से रिलोड होती है वो इन्होंने ज्यादा कर दिया है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मतलब डीबीएस को मैं लगातार फायर कर रहा हूँ लेकिन जो पहले वाली डीबीएस है ना उससे मुझे स्लो लगी। लेकिन अब एस12 की अगर बात करें तो भाई ये तो एकदम ऑटो की तरह चलने लगी है क्योंकि जो इसका रेट ऑफ फायर है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है ये जो 3.1 का अपडेट आया इसमें। बाकी गाइस ये साइड बाय साइड कंपैरिजन देखो, यहाँ पे दोनों गन्स को मैंने साथ में फायर किया एंड डीबीएस की जब 6 गोली बची थी, लिटरली उसकी आधी जब गोलियां बची थी उस टाइम पे हमारी जो एस12 है वो फिनिश भी हो चुकी थी, पूरा खत्म हो चुकी थी। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो रेट ऑफ फायर है ना वो एस12 की का नेक्स्ट लेवल रहने वाला है। तो चलो गाइस अभी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि रहने वाला है बुलेट स्प्रेड। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि जब बात आती है शॉटगन्स की तो यहाँ पे जो बुलेट स्प्रेड है वो कम से कम रहना चाहिए ताकि तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा जो बुलेट्स है वो एनिमी को कनेक्ट हो पाए। तो गाइस आ चुकी ट्रेनिंग ग्राउंड में, यहाँ पे 10 मीटर्स की दूरी पे खड़ा हूँ मैं टारगेट से एंड क्योंकि हमारी जो डीबीएस है वो डबल बैरल शॉटगन है तो इसकी जो एक फायर होती है ना उसमें 2 गोलियां निकलती है। तो दोनों फायर मैं करने वाला हूँ एक बार में और उसे हम कंपेयर करेंगे हमारे एस12 की एक सिंगल फायर से। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो जो बुलेट स्प्रेड है वो ठीक ठाक है, लाइक जो पहले वाला जो बुलेट स्प्रेड था ना उससे कम कर दिया है। अभी ज्यादातर जो गोलियां है ना तुम्हारी वो एनिमी को कनेक्ट आसानी से हो जाएगी, जैसा कि तुम देख सकते हो टारगेट के बीच में रह रही है ज्यादातर गोलियां। तो अच्छा खासा बुलेट स्प्रेड इसका अब हो चुका है एंड अभी चलाते हैं हमारी एस12 की
को, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो S12K का भी जो बुलेट स्प्रेड है वो काफी ज्यादा मुझे कम लग रहा है। एंड ऑनेस्टली गाइज, जो दोनों का बुलेट स्प्रेड है ना उसमें मुझे फर्क नहीं लग रहा था ज्यादा। तो यहाँ पे भी जो ज्यादातर गोलियां है ना वो टारगेट के जो बीच में है ना वहीं पे रह रही थी, जैसा कि हमारी DBS में हो रहा था। तो गाइज ऑन पेपर अगर देखिए तो DBS से बेटर गन S12K यहाँ पे डेफिनेटली लग रही है, क्योंकि इसका डैमेज ज्यादा था, इसका रेट ऑफ फायर ज्यादा था। एंड अगर बात करें बुलेट स्प्रेड की तो वो दोनों का बराबर था, तो वहां पे कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं। अभी बात आती है पर्सनल ओपिनियन की, तो सबसे पहले ये क्लिप देखो जो कि मुझे S12K में सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम लगती है। तो ये देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं ऑटो फायर करने की कोशिश कर रहा था, जितना तेज हो सके उतना तेज मैंने फायर किया, लेकिन मेरी एक भी गोली कनेक्ट नहीं हुई, क्योंकि बुलेट स्पीड कम हो चुका है तो अभी बुलेट ना इधर से उधर जाके लगेगी नहीं, तो मैं एम अच्छे से करना पड़ेगा तभी कनेक्ट हो पाएगी बुलेट्स। और यहाँ पे जो S12K है ना वो इतना ज्यादा बाउंस करती है ना कि एम भाई पूरा एकदम बिगड़ जाता है। वहीं बात करें अगर DBS की तो ये देखो, मतलब DBS का जो एम है ना वो ऐसा लगता है कि भाई चिपक गया है बंदे को जाके, बस पूरा एकदम डैमेज आते हुए नजर आता है, सारी गोलियां कनेक्ट होते हुए दिखती है। तो पर्सनल अगर प्रेफरेंस की बात करें तो स्टिल मैं प्रेफर करूंगा कि यार DBS है ना एक बेटर गन है, ऑल्दो इसका डैमेज जो है S12K से कम हो चुका है। बाकी DBS की क्लचेस से तुमने इस वीडियो में देख ही लियोगे, बाकी और क्लचेस अगर देखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि अभी होने वाला है कुछ धमाकेदार गेम प्ले जिसे देख के तुम्हें मजा बिल्कुल आने वाला है। बाकी कॉमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि तुम्हारी इन दोनों में से कौन सी फेवरेट गन है एंड तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इन दोनों गन्स के ऊपर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग। रिकॉल खत्म हो रहा है वैसे। ए बहुत लो मार। ओ माय गॉड। बहुत लो वो। आया एक बंदा। बहुत मार देगा इसकी। बढ़ गया यार, उसके सामने उतर दिया क्या? अभी तक नॉक हुआ। ओए ओए ओए, ये मार पाएगा मैं कोई। ओ पता नहीं आला। इस पे भी है।